दशहरे की तैयारियों में गंगा जमुनी तहसील देखने को मिली है, जहां पर निगोहा कस्बे में चल रहे सालों पुराने बाल दशहरा मेले की तैयारी जोरों पर है। जहां पर इस बार 55 फीट ऊंचे रावण के साथ ही कोरोना वायरस के पुतले का भी दहन किया जाएगा। वहीं रावण का पुतला बनाने में एकता की मिसाल देखी गई, जहां पर हिंदू समुदाय के साथ ही रावण का निर्माण मुस्लिम समुदाय के लोग भी कर रहे हैं। इस बार हमारे सारे वो लोग कोरोना वायरस भी बना रहे हैं हम लोग, और पूरे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे सारे क्षेत्रवासी सब लोग कि कोरोना जैसी महामारी भारत से चली जाए, इसीलिए इसका दहन भी होगा। बिल्कुल, कोरोना का यहाँ पर दहन भी होगा। पुतला आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो बाल कलाकार है उनके द्वारा यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है, और कहीं ना कहीं जो निगोहा का बाल दशहरा मेला है उसमें गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है, क्योंकि जो अन्य समाज के लोग हैं उनका भी पूरा पूरा इस मेले में सहयोग रहता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। और भदोही में